जी जोन अखिल कुमार ने निकाय चुनाव पर कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है और हर विभाग का आचार संहिता में कार्य रहता है। जोन के सभी जिलों में पुलिस ने तैयारी पहले से ही कर रखा है। सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में कानून का पालन करवाएं और संवेदनशील जो बूथ हैं उस पर अलग से ड्यूटी लगाया जाए। वहीं इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि चुनाव को लेकर पहले ही तैयारी पूरी कर ली गई है और एसपी ट्रैफिक को चुनाव का नोडल अधिकारी बनाया गया। आचार संहिता की घोषणा के बाद अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देशित किया गया है कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन किया जाए और अराजक तत्वों पर नजर रखी जाए। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए हर विभाग का अपना अपना काम है आचार संहिता में, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं, हम लोगों की तैयारियां पूर्ण से ही पहले से ही हम लोगों ने कर रखी है। पुलिस विभाग अपने अलर्ट है, लगातार हमें कानून का पालन कराना है, रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए। सभी जो संवेदनशील कैटेगरी के हमारे एरियाज रहेंगे, इलेक्शन बॉडीज रहेंगी, वहाँ हम ध्यान रखेंगे और उसी प्रकार से हम डिप्लॉयमेंट करेंगे। आचार संहिता से रिलेटेड जितने भी कानून हैं उसका भी 100%, चूँकि इसमें निर्वाचन अधिकारियों का महत्वपूर्ण रोल होता है, उनसे तालमेल करके जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्रवाई करेंगे। देखिए आगामी दिनों में होने वाले नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा कल तिथियों का घोषणा की गई है। इन चुनावों के संबंध में लगातार काफ़ी समय से ही हमारे यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी। चुनाव सेल का गठन पहले से ही कर लिया गया था, एसपी ट्रैफिक साहब इसके नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं। कल घोषणा के बाद आज सुबह पूरे चुनाव सेल की गोष्ठी आज मेरे द्वारा की गई है। जो भी निर्देश माननीय आयोग द्वारा दिए जा रहे हैं उनका अक्षर से पालन कराने के लिए लगातार थाना प्रभारी और सर्कल ऑफिसर और बाकी ऑफिसर्स को क्षेत्र में रहकर भ्रमणशील रहकर इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष और एक अच्छे माहौल में संपन्न कराने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस की प्रेजेंस लगातार इन क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए, अराजक तत्वों के ऊपर नज़र रखने के लिए, और जो भी कोई इस तरह का प्रयास करने की चेष्टा करता है जिससे कि चुनाव के माहौल खराब हो, उसके ऊपर कठोर निरोधात्मक कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। सर देखिए बिल्कुल चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि कौन सी जगह संवेदनशील है या कहां पर फोर्स की आवश्यकता ज़्यादा है, उस हिसाब से ये प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इसके द्वारा की जाएगी और शांतिपूर्वक ढंग से सभी स्थानों पर जहां जहां पर भी पोलिंग होनी है या जहां जहां पर भी जो भी गतिविधियाँ इस चुनाव से संबंधित होनी है वो बिल्कुल एक सुरक्षा के माहौल में संपन्न हो, इसके लिए फोर्स का डिप्लॉयमेंट एक प्रॉपर योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा और शांति बनाए रखने के लिए हर प्रयास को करने के लिए निर्देश किए गए।